हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे ही आप जानते हैं कि तो मैं उसका ब्लॉग तो नहीं बना पाई हूँ गाइस, बट थोड़ा बहुत जो क्लिप्स है मैंने एडिट किया है अलग से। सो गाइस, जो वो ब्लॉग है मतलब थोड़ा छोटा बना हुआ था, बट वो है कि आप देख सकते हैं, बिकॉज बहुत के मैसेज आए थे कि आप ब्लॉग डाल दीजिए एंगेजमेंट का, तो मैंने इसीलिए वो स्पेशली ब्लॉग आप सबके लिए ही बनाया था। सो गाइस, आज मैं वो ब्लॉग पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस, ब्लॉग देख के बताइएगा जरूर कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ, तो आप एंजॉय करिए ब्लॉग को। अभी के लिए मैं चलती हूँ, टाटा। सो गाइस, हम यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने के लिए। मम्मी आई थी और मामी भी थी, मोनिका दी थी, और ये हम लहंगे देख रहे थे यहाँ पे। लहंगे कुछ अच्छे भी लग रहे थे, तो मोनिका दी ने पहन के देखा, तो मोनिका दी को ये अच्छा लगा, बट ये येलो कलर मुझे बिल्कुल बेचैन लग रहा था, तो फिर हमें ये छोड़ दिया था यहीं पर, पसंद नहीं आया था ये, बट वैसे अच्छा लग रहा था। फिर मोनिका दी ने फाइन लास्ट में ये लहंगा पसंद किया, और मुझे भी यही लहंगा बहुत अच्छा लगा था, तो लास्ट में हमने यही सिलेक्ट किया था लहंगा। फिर उसके बाद में मोनिका दी को मेहंदी लगी, रात को मोनिका दी ने मेहंदी लगाई, उसके बाद में साक्षी ने मेहंदी लगाई थी। यहाँ पे ये सब मेहंदी दिखा रहे हैं अपनी, और फिर मैं जो उनकी वीडियोस बना रही थी, और फिर यहाँ पे मोनिका तैयार होकर आई। फिर यहाँ पे मोनिका दी बहुत अच्छी लग रही थी, और जो उनका मेकअप था वो भी बहुत अच्छा था। मोनिका दी फिर अपनी जो है होने वाली फैमिली, जो इनकी न्यू फैमिली है, उनसे मिलने के लिए आए यहाँ पे। ये मोनिका दी के ससुराल वाले थे, और वो जो ब्लू कलर में है वो उनकी सास है, और ये साइड मेरी भाभी खड़ी है, और ये इनकी नंद है। बहुत ही मतलब सब लोग बहुत अच्छे थे, मैं भी इनसे मिली थी। और फिर यहाँ पे जो है मोनिका दी जो है थोड़ा इनमें शामिल हो गई। मोनिका दी यहीं पे बैठ गई थी, और थोड़े उस टाइम पे हम थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि मोनिका दी को नई फैमिली मिल चुकी है, और यहाँ पे मोनिका दी अब एंट्री हो चुकी थी मोनिका दी की यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा वीडियो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। और यहाँ पे जो है जैसे ही मोनिका दी ऊपर चढ़ने लगी, तो मोनिका दी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था। और फिर मम्मी आई यहाँ पे, तो मम्मी ने जो मोनिका दी की गोद भरी गई थी, तो वो जो है मम्मी लेती है हमारे उसमें, तो मम्मी ने वो ली, तो उस टाइम मम्मी थोड़ी इमोशनल हो रही थी, साथ में मोनिका दी भी बहुत इमोशनल हो रही थी उस टाइम पर। मैं नीचे खड़ी थी, फिर मम्मी को हंसी आ गई किसी बात पर, पता नहीं किसने क्या बोला, मम्मी को उस टाइम पर बहुत हंसी आ गई थी। फिर यहाँ पे जो है रिंग सेरेमनी जो है स्टार्ट हो गई थी, और फिर आती है भाई हमारी बारी। तो भाई अब मुझे यहाँ पे ऐसा, जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे फ़ोटो इतने क्लिक हुए हैं यहाँ पे, वीडियोस वगैरह, और मेरे हाथ में प्लेट्स, और प्लेट्स में थी रिंग। सो गाइस, जो प्लेट थी वो जो मेन जो हम प्लेट लेके आने वाले थे वो घर रह गई थी, हम भूल गए थे, तो उस टाइम पे मुझे इजी प्लेट से काम चलाना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी बहुत वीडियोज़ फ़ोटो वगैरह हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि मैं जाऊँ, तो चलो ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वही चढ़ने लगी, तो भाई मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मेरी बेइज्जती हो जाए, ये वक्त मुझे लगा कि मैं गिरूँगी। फिर उसके बाद में एक हंसी की चीज़ यहाँ पे ये आती है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने जीजू के हाथ में ये प्लेट ऐसे ही दे दी, और मैं भाई आराम से खड़ी हो गई, अपने फ़ोटो क्लिक कराने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, सब हंसने लगे यहाँ पे, सबको हंसी आ रही थी। तो फिर यहाँ पे मोनिका दी ने भी थोड़ा प्लेट पे हाथ लगाया, क्योंकि फ़ोटो क्लिक कराना था, तो बस उस पर फिर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हुआ। फिर उसके बाद में जो है दोनों खड़े, दोनों ने अपनी रिंग्स दिखाई, यहाँ पे रिंग्स पहना दी गई थी, और उसके बाद में किसी ने पता नहीं ऊपर से क्या फोड़ा ये वो, तो सर पे गया फोटोग्राफर, उसको झाड़ने लग गया सर पे, इनके बाल खराब हो गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है, अरे, फिर यहाँ मिठाई खिलाई गई एक दूसरे को, मिठाई बहुत ही टेस्टी थी। फिर भाई आती है हमारे पापा मम्मी की बारी, पापा मम्मी आए, पापा बहुत इमोशनल थे उस टाइम पे। फिर मेरी फ्रेंड आई शिवानी, शिवानी की मम्मी थी यहाँ पे, और ये है मेरी छोटी मौसी मौसा, और ये है इनके बच्चे। फिर मोनिका दी ने डांस किया, भाई मोनिका दी ने जो यहाँ पर डांस किया ना, किसी को भी इतना मतलब किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोनिका दी ऐसा डांस करने वाली है। भाई प्रैक्टिस करके आई है तो क्यों नहीं करेगी। और भाई एक साइड में हमारे जीजू आराम से खड़े हुए, इनको सब बोल रहे कि भाई आप भी डांस करो, बट उन्हें उन पे आता ही नहीं, तो भाई वो क्या करेंगे। तो वो साइड में आराम से खड़े होकर बस देख रहे थे, और सब उनको बोल रहे हैं। फिर फोटोग्राफर ने बोला कि चलो भाई थोड़ा बहुत स्टेप वगैरह कर लो ऐसे ही, तो मोनिका दी कह रही चलो ठीक है मैं करती हूँ। तो मोनिका दी ने इनको काफ़ी डांस कराया। जीजू पे नहीं आता, पर ये तो हम आप भी देख चुके हैं और मैं भी देख चुकी हूँ, बट हमारी मोनिका दी तो भाई हटाई से नहीं हट रही है, लगी हुई है, लग रही है अभी भी देखो, और पीछे नानी खड़ी है। तो वैसे मोनिका दी ने ना सच में बताऊँ तो प्रैक्टिस की थी, और ये मोनिका दी की सास यहाँ पे आ गई है, इनके साथ डांस करने लगी, और यहाँ पे मोनिका दी भी काफ़ी मतलब खुश थी, और मोनिका दी को पैसे वैसे भी बहुत मिल रहे थे यहाँ पे डांस कर रही थी जब। फिर जो है
जीजू की मम्मी भी ने मतलब मोनिका दी को अच्छी कंपनी दी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आते हैं मेरे भैया के बच्चे, जो कि भाई स्टार्टिंग से एंगेजमेंट में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इन्होंने ही यहाँ पे फ्लोर पे जो है जो अपना रोब जमाया हुआ था ना, वो तो मतलब देखने लायक था। और फिर आती है भाई हमारी बारी, मेरी मौसी और मैं, हमने एक दूसरे को ऐसी टक्कर दी। टक्कर क्या है, मजाक में बोल रही हूँ। यहाँ पे गाना जो था वो जिप्सी वाला चल रहा था यहाँ पे, और भाई मेरी मौसी और मैं दोनों लगे हुए हैं इधर, और काफ़ी इंजॉय किया। और फिर मैं दूसरों को बुला के ले गई, अरे भैया आओ डांस करो, पर भाई कोई आता तब ना। तो फिर मैंने भी छोटी मामी को बुलाया, मामी ने भी खूब डांस किया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वो दीदी है साइड में, फिर मैंने शिवानी को बुलाया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है आप जानते ही हो वैसे भी, तो शिवानी ने भी खूब डांस किया यहाँ पे हम दोनों ने। और फिर हम, मैं बार बार सबको बुला भी रही थी कि भाई आओ, पर भाई कोई आए तब ना, तो पता ही नहीं भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पर हाँ हमने बहुत इंजॉय किया भाई उस चीज़ को। फिर भाई मैंने सोचा कि लो मम्मी को बुलाती हूँ, फिर मैं मम्मी को भी बुलाई बुला के, तो मम्मी ने डांस नहीं किया, मम्मी तो चली गई। फिर दी की ससुराल वाले भी लगे हुए थे, सबने काफ़ी इंजॉय किया वैसे। सो गाइज यही था व्लॉग जो भी है, बिकॉज इतना ही बना पाई थी। सो गाइज बिकॉज मैं इतना टाइम नहीं होता है एंगेजमेंट में कि मैं इतना व्लॉग्स बनाऊँ, बट आपके लिए मैंने इतने बनाए हैं। सो गाइज आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करिएगा, और बताइएगा कि आपको व्लॉग्स कैसा लगा, स्पेशली बिकॉज मैंने आपके लिए बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।